अगर मेरे चैप्टर में किसी भी चैप्टर को समझने में, क्वेश्चन आंसर्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम का पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके मेरे चैनल पे आप मुझसे डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। आप मुझसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर के बीच में से कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आप कुछ भी कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू या मेरे चैनल पे सीधे कमेंट सेक्शन में जाकर के। और मैं कोशिश ये करूंगी कि आपकी हर क्वेरी को, आपके हर क्वेश्चन को आपके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकूं, आपको समझा सकूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एग्जाम्स में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, आपको हर चैप्टर थॉरोली याद हो, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है। बोर्ड्स में अक्सर कैरेक्टर स्केच आते हैं, यानी किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में उसकी जो क्वालिटीज हैं वो हमें कैरेक्टर स्केच में बतानी होती हैं। और मुझे पता है आप लोगों को अक्सर कैरेक्टर स्केच लिखते समय ये समझ नहीं आता है कि कैरेक्टर स्केच में हमें लिखना क्या है। आप कोशिश ये करते हैं कि चैप्टर में से कुछ लाइन्स उठा करके या कुछ जो उसमें एज इट इज लाइन्स लिखी हैं उनको उठा करके एक पैराग्राफ तैयार कर दिया जाए, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। तो चलिए आज ये जानते हैं कि कैरेक्टर स्केच कैसे लिखा जाता है। कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप कैरेक्टर स्केच को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैंने लेसन वन अ लेटर टू गॉड लिया है, जिसमें लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर स्केच मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो अगर आप इसके कैरेक्टर की ये जो क्वालिटीज मैंने लिखी है इनको आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें, तो इन सभी क्वालिटीज को लाइन में लिख करके, जैसे फॉर एग्जांपल लेबोरियस फार्मर, लेंचो वाज अ लेबोरियस फार्मर, ही वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, तो वो हम इस चीज को पूरा एक लाइन में लिखते हुए, इन सब क्वालिटीज को इंक्लूड करते हुए एक पैराग्राफ की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। बट द सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट वे इज हेडिंग, यानी हम किसी भी चीज को हाईलाइट करते हुए चलें, उसको हेडिंग की फॉर्म दें, यानी हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी उसके कैरेक्टर के बारे में बताना चाहते हैं, उसको अगर हम हेडिंग्स के तौर पे लिखें, जैसे कि हमने सबसे पहले ये लिखा लेंचो के कैरेक्टर में कि वो एक लेबोरियस फार्मर था, यानी एक बहुत मेहनती फार्मर था। सेकेंड हेडिंग हमने ली नॉलेज ऑफ वेदर, यानी लेंचो को काफी समय से फार्मिंग करते करते उसको इतना एक्सपीरियंस है कि उसे वेदर की, सॉइल की, क्रॉप्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि हम इस चैप्टर में ये पढ़ा है हमने कि जब रेन आने की तैयारी होती है तो ही इज एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड रेन, क्योंकि उसकी जो फसल है, जो उसकी क्रॉप है कॉर्न की, वो पकी हुई खड़ी है उसके खेतों में, और ऐसे में ही इज जस्ट एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड रेन। और जब वो बादलों की तरफ देखता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ बादल आ रहे हैं और इस दिशा से हवाएं चल रही हैं, तो इसका मतलब बारिश होने वाली है, यानी उसको नॉलेज है वेदर की, सॉइल की और फार्मिंग की। नेक्स्ट इज एजुकेटेड, लेंचो एक एजुकेटेड फार्मर है बिकॉज ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, यानी वो लेटर लिखना पढ़ना जानता है, ये उसकी खूबी है। नेक्स्ट इज फर्म फेथ इन गॉड, ये मैं आपको फ्रेंड्स ये समझा रही हूँ कि अगर हम हेडिंग के तौर पे जब उसके कैरेक्टर की जो खूबियां हैं उनको हेडिंग के तौर पे लेके उसको एक दो लाइन में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, तो हमारा पूरा कैरेक्टर स्केच अच्छे से उभर के आता है और हमें उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। आइए आगे देखते हैं। फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो के कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसे भगवान में, यानी गॉड में फर्म फेथ है, उसे पूरा विश्वास है भगवान में, और जब उस पर परेशानी आती है तो वो सीधे भगवान की तरफ मुड़ता है और वो ये सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल गॉड दे सकते हैं, इसीलिए वो गॉड को लेटर लिखता है। ही इज ऑप्टिमिस्टिक,
जब लेंचो का फार्म उसके कॉर्न की जो पूरी फसल तैयार खड़ी हुई थी वो हैवी रेन स्टॉर्म की वजह से खराब हो जाती है, उस हेल स्टॉर्म में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तब भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वो ये सोचता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा मुझे करना ही होगा जिससे मैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीविका कमा सकूं, उनके लिए पैसे अरेंज कर सकूं और आने वाला जो टाइम है उसमें मैंने मुझे फसल बोनी है, आगे फार्मिंग करनी है, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो होपलेस नहीं होता बल्कि सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है। अनदर पॉइंट इज इनोसेंट। लेंचो बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, वो भगवान में पूरा विश्वास करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो लेटर वो लिखने जा रहा है वो अगर गॉड को लिखेगा तो गॉड जैसी कोई भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। गॉड एक फीलिंग है, एक फेथ है, उसको हम उसको लेटर लिखेंगे तो उसका कोई एड्रेस नहीं है जहां हम लेटर पोस्ट कर सके। इस चीज को वो नहीं समझता बिकॉज ही इज एन इनोसेंट पर्सन। नेक्स्ट थिंग इज फैमिली मैन। लेंचो के बारे में हमने शुरू में उसकी फैमिली के बारे में पढ़ा, क्योंकि उसका एक लोनली हाउस है, वो क्रेस्ट ऑफ द हिल पे रहता है और उस पूरे हिल पे उस एरिया में एक लोनली हाउस उसी का है, एक अकेला घर उसी का है। और जब उसकी फसल खराब होती है उससे पहले भी हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है, उसके बच्चे खेल रहे हैं। एंड आफ्टर द हेल स्टॉर्म व्हेन हिज होल कल्टीवेशन वॉज डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, आफ्टर दैट ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली। वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए क्या व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज सस्पेक्टफुल। सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी रही कि जब वो भगवान पे विश्वास करके, जब गॉड में फेथ करके वो लेटर लिखता है और उसको पूरे 100 पैसोस नहीं मिलते हैं तो वो सस्पेक्टफुल हो जाता है। उसको ये डाउट होता है कि हो ना हो गॉड तो मुझसे कभी भी धोखा नहीं कर सकते, ही कैन नॉट चीट मी। ये चीटिंग जो है वो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मेरे साथ की है, और उसके दिमाग में तुरंत ये सस्पेक्शन आता है और उसको लगता है कि नहीं, इन लोगों ने मेरे संग चीटिंग की है। और तुरंत लेटर लिखता है, एक और लेटर गॉड को, कि आप प्लीज मुझे दोबारा से बची हुई मेरे पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, पर प्लीज इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, मनी ऑर्डर से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं दीज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये वर्ड उसने यूज किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जब हम इसको हेडिंग के रूप में भी लिख रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन हेडिंग्स के आगे हम कम से कम 1-2 लाइन अपने जो पॉइंट है हमारा उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए। जैसे कि लेबोरियस फार्मर के तौर पे हमने चैप्टर में जो लाइंस पढ़ी हैं उसके वो लाइंस हमें पिकअप करनी चाहिए और वो हमें यहाँ लिखनी चाहिए। अगर हम एज इट इज लाइन को नहीं लिख सकते तो उन्हें अपने वर्ड्स में लिखें ताकि हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए और देन यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने आपको ये समझाया कि कैरेक्टर स्केच हमें किस तरह लिखना चाहिए, और इसके दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए। पैराग्राफ के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, हेडिंग के तौर पे हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करते हुए भी लिख सकते हैं, एंड ये ज्यादा परफेक्ट वे है हेडिंग के तौर पे लिखना, क्योंकि इससे एग्जामिनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो आपकी सोच है या आपका जो थिंकिंग है या आपके थॉट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं हेडिंग्स को देख करके कि आप उस कैरेक्टर के बारे में कितना जानते हैं। वो उसे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और जब एकदम आप क्लियर हैं तो आपको मार्क्स भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।